हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? यहाँ पीछे देख सकते हो भैया आए हैं, मेरे तीन तीन पार्सल्स आए हैं। हाँ, ये वाला कितने हुए भैया? 1296 1296 96 ये लीजिए, इसमें से काट लीजिए। भैया ने पूरे रुपए वापस कर दिए, 4 रुपए भी रिटर्न कर दिए। बाबू क्या आए हैं? ट्रैक्टर बोला, बोलते ट्रैक्टर। हर डब्बे में ट्रैक्टर आता है विहान का। हाँ, आपको पता है ये पार्सल्स दिल्ली से आए हैं, एड्रेस मतलब दिल्ली से डिलीवर हुए होंगे, तो कुछ और मत समझना आप। मैंने खरीदे हैं विहान के जन्मदिन के लिए। बाबू तो पहले ही तो पहला गिफ्ट जो है उसमें एक मेरे लिए भी है। ये देखिए, वुमेन प्लस जो है ये हमारा रहता है, हॉर्लिक्स है। ये देखो वेजिटेरियन है, जिसपे ये ग्रीन बना होता है वो वेज होता है, जिसपे वो ब्राउन टाइप बना होता है ना, मैरून सा, उसमें नॉन वेज होता है। तो मैंने कहा कभी कभी हम ये पिया करेंगे। और विहान के लिए भी मैंने देखो, बर्थडे के लिए मैंने ये मंगवाया था। एक तो बॉर्नविटा लिटिल चैंप मंगवाया है विहान के लिए, एक ये कॉम्प्लान मंगवा लिया, और खुद के लिए भी मैंने ये मंगवा रखे हैं, आपको दिखाए थे ना, एक ही डेली वुमेन्स प्रोटीन ये वाला, और ये दो मैंने खुद के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि प्रोटीन की बहुत कमी हो गई है। तो देखिए, मैंने 4 बनियान मंगवाई हैं विहान के लिए, क्योंकि आपको पता ही है अब गर्मियों का टाइम चल रहा है। 5 हैं। मैं खोल के पहना के देखूं विहान को सही आएगी या नहीं। मैंने ना 4 साल के बच्चे के हिसाब से मंगवाई है, वैसे तो विहान 3 का होएगा, बट मुझे था कि ढंग से 1 साल कम से कम आए तो सही ना, कहीं ऐसे बिल्कुल मतलब बच्चे का ना, मैं हमेशा कपड़ा 1 साल बड़ा लेती हूँ। जैसे मान लो विहान अभी 3 साल का होएगा, तो मैं 4 साल का बोल के लेती हूँ कपड़े, ताकि विहान को आ जाए। तो मैं एक पहना के देखती हूँ, ये देखो ये इसकी है ब्रांड की। सही आ गई बाबू के, कम से कम 2 साल आ जाएगी ये, दिखा ना बाबू। हाँ, खुली डुल्ली सी है एकदम। हाँ सही है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। दिखाना, दिखाओ, थोड़ा दूर होके बेटा, थोड़ा देखने दो। हाँ सही आई है एकदम। इसके अलावा ये मैंने देखो ये मंगवाए हैं, ये देखो साइज इनमें का भी, ये देखो मुझे साइज पता नहीं आएगा, देखना पड़ेगा। मंगवा भी काफी सारे लिए अलग अलग कलर्स में, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पास थे नहीं इस तरीके के, ये देखो 2 तो ग्रीन में हैं, सेम 2-2 कलर्स हैं ये। हाँ हाँ, 2 ये येलो कलर्स में हैं, और ये रेड। हाँ, 2 ये पिंक कलर है, इसके अलावा 2 ये मेरा पहन लेगा गर्मियों में ना, वैसे यही कपड़े ठीक लगते हैं घर में। तो इसमें ये ब्लू कलर है, एक ये वाला कलर है, काफ़ी हैं। कितने हो गए पीस, मैं काउंट करूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 हैं। तो इस तरीके की भी पहना के देख लेते हैं बाबू को एक बार ना। ये मैंने ना 3 ही साल के बच्चे के हिसाब से ख़रीदा, अगर मैं 4 साल का मंगवाती तो इलास्टिक लूज़ हो जाती, फिर इसके फंसती भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो ठीक है,
अब गर्मियों में ना घर पे तो यही कपड़े पहन ले सही है, क्यों इतना गर्मी में फस फस, क्योंकि अब रात को भी देखो ना इतनी गर्मी होती है, इसमें इतने भारी भरकम कपड़े कौन पहनाए बच्चे को, है ना, यही पहन ले हल्के फुल्के से। एक्चुअली अभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, एक मन कर रहा था दूध का मैंगो शेक बना लूँ, फिर एक बार दिल किया केले इतने रखे हैं खराब होंगे, बनाना शेक पी लूँ, तो मैंगो शेक नहीं, एक काम करूंगी रात को ना, शाम को 7 बजे ना बनाना शेक ले लूंगी, एक केले का, कम से कम एक केला तो खत्म होगा, है ना, बट अभी ठंडा ठंडा दूध है उसमें मैं ये मिलाऊंगी हॉर्लिक्स, अभी पहली बार ओपन कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से है, इसमें शुगर नहीं है, इतना तो डाल ही लेते हैं। विहान ऐसे बेटा ऊपर से नीचे मत गेरो, जोड़ो ट्रैक्टर कहाँ से तोड़ा है, जोड़ो लगा दो इसमें, वापिस लगा दो, मम्मा को दूधवा पीने दो, आपको शाम को पिलाऊंगी। हाँ जोड़ दिया मम्मी, देखिए मेरा स्टैंड क्लियर है। देखो मैंने वो जो बुरा वक्त देखा, देखो अपना बुरा वक्त देखा, उस टाइम चलो मैंने तसल्ली कर ली कि मैं तो चलो किसी दूसरे घर की थी, है ना, चलो बहू का तो कोई कोई होता है, कोई 100 में से छोटो 500 में से कोई एक बंदा होता है जो बहू का होता है ना, बनता है मतलब। लेकिन यहाँ पे बात मेरे बच्चे की थी, मैं एक पिछले 8-10 महीने में जो चीजें मैंने देखी उसके बाद मैं क्यों चुप हो गई, बिल्कुल आपने देखा 10 महीने से मैं अपना चुपचाप काम करे जा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ना मैंने देख के ना मेरे मन में जो चीज बैठ गई तो बैठ गई। बेटा ऐसे नहीं करते, जा वो खिलौने लेके आ। हाँ तो आपकी, मैं ये चीज मैं सोच कभी नहीं भूल सकती कि मेरा बच्चा इतना बीमार हुआ था, हद पार इतना खराब उसकी हालत हो गई थी, लेकिन मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं खड़ा था, मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ मैं अकेली थी, ठीक है, ना पैसों से किसी ने कभी मदद करी, ना खुद की उपस्थिति भी दिखाई, किसी ने नहीं दिखाई। मेरे बच्चे का मुझे पता है मैं कहाँ, कभी मैं रोहतक घूमी, कभी बाहर निकल के कहीं किसी हॉस्पिटल में लेके गई, मेरा बच्चा इतना बीमार, डेंगू जैसे इतना गंदा डेंगू मेरे बच्चे को हुआ, उसके बीच में भी एडमिट रहा हॉस्पिटल में, और ये तो सबसे बड़ी चीज थी यार, ऐसे में तो यार कोई अनजान बंदा भी हो ना वो भी हालचाल पूछने के लिए आ जाए, समझ रहे हो, मेरे बच्चे के मिर्गी की दिक्कत हुई सबसे बड़ी चीज, वो इतना छोटा सा बच्चा था उस टाइम, तो 2 ही साल का था, 2.25 साल का होगा जब ये बात पता चली थी, है ना, तो उस टाइम हॉस्पिटलों में ले लेके घूम रही, कोई आया उपस्थित हुआ, और उस चीज से मेरे को समझ में आ गया, ठीक है, कि देखो मैं अपना क्या करूं, मैं मतलब मैं ये शिकायतें आपसे YouTube पे बैठे करे जा रही थी 1 साल से 6 महीने से, यार मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया, अरे यार मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो जाने दो, मेरे बेटे का क्या, आप समझ रहे हो वो चीज, मेरे को दिखा कि उसका भी कुछ नहीं किया, तब मेरे को ये चीज दिल पे लग गई, वो चीज होती ना क्लियर कट समझ आ गई कि चलो मेरा जो इंसान कोई नहीं तो छोड़ दिया नहीं, ठीक है, लेकिन जो बंदा कोई इंसान मेरे बच्चे का भी नहीं है तो भैया वो मेरा भी नहीं है। एक होता है ना माँ, माँ का सबसे ज्यादा लगाव अपने बच्चे से होता है ना, तो मेरा जो लगाव है मेरे बच्चे से है, और मेरे को जो चीज दिख गई कि कोई इंसान मेरे बच्चे के लिए नहीं खड़ा, तो फिर मेरे को ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों रखूंगी, मैं नहीं रखना, मुझे खत्म। तो मैं देख सकते हो पिछले 8-10 महीनों से मैं अपना काम कर रही हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे कह दिया था कि बेटा गया हमारे लिए तो बहू बच्चा सब गया, ठीक है, हमें अब कुछ नहीं दिखता, हमने दिल पे पत्थर रख लिए, तो वो पत्थर ना मैं कहती हूँ कि 365 के 365 दिन रखने चाहिए, ठीक है, वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, मैं सच बता रही हूँ, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, तो दुनिया को दिखाने के लिए ना एक 500-1000 रुपए का कोई चीज भेज दी, है ना, 2000 की चीज भेज दी दिखाने के लिए, एक दिन की हम पूछ रहे हैं, ये पूछना नहीं होता, ठीक है, और वो भी क्या भेजते हैं, पहली बार एक साइकिल भिजवाई थी प्लास्टिक की थी, है ना, उस टाइम तो प्रीपेड था, उन्होंने पैसे भरे थे, 1300-1200-1300 रुपए की थी जो, ठीक है, उसके उन्होंने पैसे भरे थे और उन्होंने भिजवा दी थी, मैंने दिखा दिया, ठीक है, यूट्यूब पे दिखाया कि हाँ भाई गिफ्ट भेजा, अरे यार गिफ्ट भेजा क्या भेजा,
दूसरे साल जब विहान का सेकंड बर्थडे आया तब क्या भेजा, कार भेजी थी एक, वो कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक है, उस गिफ्ट के पैसे मैंने भरे थे, ठीक है, अकाउंट नंबर उन्होंने मांगा था बट मैंने नहीं दिया, मैं कैसे दे दूं अब अकाउंट नंबर, कल को मेरा ही अकाउंट नंबर दुनिया जहान में कहीं लीक हो जाए, कुछ बात हो जाए, है ना, और अकाउंट नंबर में वो पैसे डालते, कल को क्या पता क्या नाम लगा देते कि मैं, हम तो इसको पैसे देते हैं, है ना, कल को कोई भी बात हो जाए तो मैं अकाउंट नंबर नहीं शेयर कर सकती मैं, ये बात थी। तो देखो एक बात बताओ, जब मेरे बुरे वक्त में ही कोई काम खड़ा नहीं हुआ, जब जब आप समझते हो वो चीजें, अब जिंदगी भर का देखो मेरी तरफ से तो रहेगा हमेशा के लिए, है ना, मैं तो कभी भी कोई इंसान वहां से कभी आके खड़ा हुआ मैं सीधा बोलूंगी अब क्या लेने आई हो, उस टाइम देखा था। देखो यार जब इंसान पे बुरा वक्त पड़ता है तब असली पहचान होती है कौन आपके साथ खड़ा है, अच्छे वक्त में तो कोई भी साथ लग जाएगा, समझते हो आप वो चीज। तो मैं अच्छा वक्त तो अपना ला रही हूँ हर रोज एक एक दिन मेहनत करके, एक दिन तो मेरा भी वक्त अच्छा आएगा, है ना, लेकिन मेरे बुरे वक्त में, मेरे बच्चे के बुरे वक्त में जो खड़ा ही नहीं हुआ, तो मुझे दुनिया को दिखाने के लिए वो शौक नहीं है, आप समझ रहे हो, मेरे आज दिल से मेरी जो दिमाग में बात थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि ना ध्यान के लिए कोई गिफ्ट मत भेजिएगा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी, मैं साफ बोलूंगी कि वापस ले जाओ, क्यों, साफ बात है भाई, मेरा बच्चा बीमार, मेरे बच्चे इतनी बुरी हालत, कभी कोई आया नहीं आया, मेरे बच्चे का हालचाल देखने आया नहीं आया, मेरा बच्चा इतना बीमार, मेरा बच्चा पिछले 10 महीने से इसकी दवाइयां मैं आपको दिखाती हूँ, लोग मेरे को दिखा रखे, सुबह इतनी दवाइयां देती हूँ, शाम को इतनी दवाइयां देती हूँ, कभी किसी ने एक बार ही पूछा करके कि हाँ कितना खर्चा आता है, हम पे कर देते हैं, हम लगाएंगे, खर्चा करेंगे, नहीं, बल्कि मैंने तो सामने से बोला भी था, मैंने कहा आप लगा दो, फोन करने छोड़ दिए, समझ लो वो चीज। तो इन चीजों से ना इंसान को सबक लेना चाहिए, और इस चीज से मेरे को सबक, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ अपनी लाइफ का ये सबक बता रही हूँ, मुझे इस चीज से सिर्फ एक जो सबक मिला वो ये कि बच्चे ना अपने दम पे ही पाले जाते हैं और अपने दम पे ही पैदा किए जाते हैं, ठीक है, अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि कल को वो हमारा कर देगा, ये हमारा कर देगा, ऐसा है तो वो आप बेवकूफ हो, आपकी बेवकूफी है, बच्चे तब करो जब आप में इतना गट्स हो पालने का, ठीक है, हर चीज करने का, तो बच्चे सिर्फ आप ही माँ बाप के ही दम पे पैदा होते हैं। मेरे पति गुजर गए तो वो जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ मेरी माँ की बन जाती है फिर, ठीक है, माँ करेगी बच्चे का, तो मैं किसी से उम्मीद नहीं लगा सकती हूँ कि किसी के सास ससुर आके करेंगे, हम करेंगे बच्चे का, वो करेंगे, उनकी मर्जी, उनको करने करो, उनसे पूछ के थोड़ी बच्चे की है ना, अपने दम पे किए, अपना बच्चा है, खुद करेंगे, है ना, तो मैं किसी को यहाँ गलत नहीं बोल रही हूँ, देखो सबका अपना नेचर होता है, मैं यहाँ पे दुनिया में देखो लाखों करोड़ों अरबों लोगों को अब क्या बोले, है ना, हर एक का अपना स्वभाव होता है, किसी का नेचर कैसा होता है, है ना, हम ये सोच के कि देखो हम ऐसे थे तो दूसरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, भाई उसका नेचर है भाई, वो ऐसा ही है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमारे साथ ऐसा है ना, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कई लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत फीलिंग्स, बहुत ज्यादा गहरी फीलिंग्स होती हैं, कई लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं, है ना, अटैच हो जाते हैं लोगों से, घरों से, कई लोग नहीं होते अटैच, अटैचमेंट नहीं होता उनका, नहीं होता मोह उनका, नहीं होता प्यार, तो हम शिकायत क्या करें इस मामले में कि उनका अटैचमेंट नहीं है, नहीं है तो नहीं है भैया, क्या करें, नहीं होगा, कई लोगों का होता ही नहीं है अटैचमेंट, नेचर यही होता है ना, तो इस चीज से क्या मैं सीखूं, इस चीज से मैं सिर्फ ये सीखा है मैंने कि मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी, ये भी नहीं कहती कल को मैं दूसरी शादी कर लूं तो उसकी जिम्मेदारी होगी या उनकी जिम्मेदारी होगी या इसकी जिम्मेदारी होगी उसकी, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरा बच्चा मैंने मेरे पेट में से पैदा किया है ना, मेरा है तो मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ, यहां मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, गलत ठहरा रही हूँ, मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती हूँ, जीरो आज के टाइम में, ठीक है, सिर्फ जो करना है मेरे बच्चे का मुझे करना है। हाँ अगर मेरे पति आज इस दुनिया में होते तो आज के टाइम में सारे लोग मेरे साथ खड़े होते, ये बात कड़वी सच्चाई है बट सच्चाई है, आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो सारे मेरे साथ लग रहे होते, मेरे बच्चा बीमार था सारे मेरे साथ साथ घूम रहे होते, यहाँ दिखा देते हैं वहां दिखा देते हैं, बट पति के मरने के बाद कोई साथ नहीं लगता, ये कड़वी सच्चाई है ना, क्योंकि पति के रहते हुए चीजें मतलब वो होती हैं अलग होती हैं, पति के जाने के बाद बहुत अलग होती हैं, ठीक है, तो जब आपको ये कड़वी सच्चाई पता है तो समझ जाओ, ठीक है, पत्नी किसके भरोसे होती है, पति के, पति, समझ रहे हो आप, तो पति नहीं
तो मेरा क्या भरोसा है, मैं अपने काम के भरोसे हूँ, अपनी मेहनत के भरोसे हूँ और मेरा बच्चा मेरे भरोसे है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ यहाँ पे या कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हाँ इतना जरूर बोलूंगी, इतना तो बोलूंगी ना भाई कि मेरा बच्चा बीमार था और ये सब हुआ, तो तब कुछ नहीं हुआ, तब उधर से मुझे कुछ भी नहीं दिखा, जीरो दिखी चीजें, है ना। तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ अब कि मेरे पास कोई गिफ्ट आएगा विहान के लिए, कोई गाड़ी आएगी, कपड़ा आएगा, ये आएगा, क्योंकि नहीं चाहिए, अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं लूंगी ही नहीं, साफ बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि देख ली चीजें, देख लिया सब, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे पापा जी का फोन आ रहा है इसलिए वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।